हेलो फ्रेंड्स, आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं बिना नींबू के और बिना सिरके के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने फ्रेश दूध लिया है। ये कोई 2-2.5 किलो दूध है। इसको हम पहले बॉईल करेंगे। दूध को बॉईल करते समय थोड़ा थोड़ा चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये नीचे थोड़ा जल जाता है। हमने फुल क्रीम मिल्क लिया है और जब ये बॉईल हो जाएगा फिर हम इससे छेना बनाएंगे। तो जितने में ये दूध हमारा बॉईल हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। इसको छानने के लिए हमने एक बड़ा पतीला लिया है और इसमें ये हम छलनी लगाएंगे और इसमें हम चीज़ क्लॉथ, कोई भी कपड़ा, पतला कपड़ा लगा सकते हैं। घर का पनीर शुद्ध होता है और इसमें ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं, इसलिए घर में बनाना कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर बाज़ार से हम लेते हैं बट फ्रेश पनीर से जो सब्ज़ी बनती है या इसका टेस्ट ही फ़र्क होता है। और जो आज हम पनीर बनाने जा रहे हैं ये बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी होगा। दूध हमारा उबल गया है और ध्यान रखें फ्रेंड्स कि दूध जलना नहीं चाहिए। अगर नीचे जल जाए तो जो छेना या पनीर है उसमें बहुत गंदा टेस्ट आ जाता है उसका, और उसकी स्मेल सभी में आ जाती है। जब ये पूरी तरह से फुल बॉयल हो जाए तो हम इसको गैस बंद करेंगे। ये दूध पूरा बॉईल हो गया, फुल बॉईल पे आ गया अब ये। और इसके बाद अच्छी तरह से उबाल के दूध को हम ये गैस बंद करने जा रहे हैं और दूध को 2-3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। दो तीन मिनट में दूध थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब हम इसमें ये खट्टा दही है ये डाल के इसको कर्डल करने जा रहे हैं। धीरे धीरे जितना दही की ज़रूरत होगी, जो दही का पानी होता है यही बहुत इनफ होता है इसमें। तो इस प्रोसेस में कोई केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर नींबू आजकल जैसे 300 रुपये किलो है तो अगर नहीं भी है तो इससे बहुत अच्छा सॉफ्ट पनीर बनता है। अगर वैसे भी घर में दही आपका खट्टा हो गया हो तो उसको फेंकिए मत, तो उसको पनीर बनाने में या उससे कोई भटूरे वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। गर्मियों में अक्सर गर्मी होती है तो कई बार पनीर हम बना दही बनाते हैं तो वो खट्टा हो जाता है और खाने में उसका टेस्ट ही रह जाता है। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल दूध है जो फट गया, सारा पानी सेपरेट हो गया और
ये जो वे है सेपरेट हुई, इसको हम संभाल के रखेंगे क्योंकि हमने इसमें कोई केमिकल नहीं, और इससे हम दाल में या रोटी का आटा गूंदने में इस्तेमाल कर लेंगे। थोड़ा सा दही हमारा बच गया, इसको हम बाद में इस्तेमाल करने के लिए, नेक्स्ट टाइम के लिए रख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर फटा है, कोई हमने इसमें तेजाब नहीं डाला, कोई इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें बाद में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और इस छेना को आप गुलाब जाम, रसगुल्ला बनाने में, रसमलाई में, या किसी भी चीज़ में, सब्ज़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पनीर को हम बांधने जा रहे हैं। और ये जो चीज़ की वे होती है, इसमें भी बहुत न्यूट्रिशन होती है, इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए, इसको हम आटा वगैरह गूंदने में या दाल वगैरह बनाने में इस्तेमाल करेंगे। अगर गरम दूध को हम कर्डल कर दें तो वो जो पनीर है वो थोड़ा रबरी रबरी कंसिस्टेंसी आ जाती है उसकी, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तो अब हम इसको प्रेस करने जा रहे हैं, 2 घंटे के लिए इसको हम शेप करने के लिए प्रेस कर देंगे। क्योंकि हमने कोई नींबू सिरका नहीं डाला, इसमें खटाई नहीं होती, तो इसको हम कोई इसको धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती इस छेना को, इसको हम ऐसे ही इसके ऊपर थोड़ा वेट रख के छोड़ देंगे। ये हम इसके ऊपर थोड़ा वेट रख रहे हैं 2-3 किलो का, और 2 घंटे के बाद हम इस पनीर को खोलेंगे। तो ये वे प्रोटीन को हम ठंडा होने के लिए रख रहे हैं, इससे हम आटा गूंद सकते हैं, दाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई ग्रेवी वाली सब्ज़ी में इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें फैट्स भी हैं, प्रोटीन भी है, और इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत हाई है, इसको कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसको फ्रिज में स्टोर कर लेंगे और 2-4 दिन में ये सारा इस्तेमाल हो जाएगा। 2 घंटे हो गए हैं, तो अब हम देखते हैं हमारा पनीर बन गया, तो इसको हम निकाल के स्टोर कर देंगे। वाह, देखिए कितना सुंदर पनीर बना है। जब हम फ्रेश पनीर का कुछ बनाते हैं तो उसका टेस्ट ही डिफरेंट आता है। देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट, और क्या उसका टेक्सचर आया है, बहुत ही टेस्टी। और कुछ नहीं, इसको आप जैसे मर्जी काटें, और ये बिल्कुल सॉफ्ट है, और इसमें खाने में भी ये बहुत ही टेस्टी है। तो इसको मैं रख रही हूँ, तो 1 घंटे के बाद हम इसको इस्तेमाल करेंगे, उतनी देर हम इसको फ्रिज में रखने जा रहे हैं। आप चाहें तो इसको अभी सॉफ्ट स्टेज में ही काट के रख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको बाद में भी काट सकते हैं इस्तेमाल करने के लिए, और इसको हम फ्रिज में स्टोर करने जा रहे हैं। फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं, क्योंकि हमने इसको 1 घंटे के बाद इस्तेमाल कर देना। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगली बार आप भी दही से ही पनीर बनाएंगे, और इसके बाद आपको जो सिरके या नींबू वाला पनीर अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट और क्रीमी बनता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।